नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैंने एक जमीन रजिस्ट्री कराया और उस जमीन रजिस्ट्री के पेपर में खाता नंबर, खेसरा नंबर, सब कुछ डिटेल्स सही है, लेकिन जमाबंदी नंबर गलत हो गया है, तो फिर आगे हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इसी को जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह की बात है कि आपने एक जमीन की रजिस्ट्री करवाए हैं, रजिस्ट्री कराने में जो भी डिटेल्स लगता है आप सही सही उसमें दिए हैं, बस एक चीज जो है जमाबंदी आपने गलत दे दिया है, तो आपको यदि जमाबंदी गलत चला गया तो आपको सुधार ही करवाना पड़ेगा। सुधार करवाने का मतलब कि आपको पुनः रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जमाबंदी नंबर आपका सही होगा तभी आपका दाखिल खारिज होगा, क्योंकि आपका जो दाखिल खारिज होगा वह उस जमाबंदी से ही होगा, जो जमाबंदी आपका उसमें दिया जाएगा सही सही, जिन व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं उन व्यक्ति का जमाबंदी नंबर उसमें दिखना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, जमाबंदी नंबर उसमें लिखा रहेगा तो उस जमाबंदी से रकबा को खारिज किया जाएगा। जितना रकबा आप लिखाए हैं, जितना जमीन आप लिखाए हैं, उतना उस जमीन से खारिज किया जाएगा और आपके नाम पर दाखिल किया जाएगा, ठीक है। उसी को कहते हैं खारिज दाखिल, बोल चाल की भाषा में इसे हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं। तो दाखिल खारिज जो होगा सही जमाबंदी होने पर ही होगा, अन्यथा दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको पुनः जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जाना है और जमाबंदी के साथ साथ जो भी डिटेल्स, सारे डिटेल्स सही होने चाहिए। सभी डिटेल्स सही से रहेगा जमीन रजिस्ट्री के पेपर में, तब आपका दाखिल खारिज हो पाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।